इस साल के गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता और सेवा मेडल से सम्मानित होने वाले अधिकारियों की लिस्ट सामने आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और साथ ही सुधार सेवा के कुल 1132 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। आइए जानते हैं मेडल पाने में कौन सा प्रदेश सबसे आगे है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 277 वीरता पदकों में से सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर पुलिस के 72 कर्मियों, महाराष्ट्र के 18, छत्तीसगढ़ के 26 पुलिसकर्मी, झारखंड के 23 पुलिसकर्मी, ओडिशा के 15 पुलिसकर्मियों और दिल्ली के 8 पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ के 65 पुलिसकर्मी, एसएसबी के 21 कर्मियों को प्रदान किए गए हैं। शेष कर्मी अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से हैं। गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक PMG-2 को और वीरता पदक GM-275 कर्मियों को प्रदान किया गया है। 277 वीरता पुरस्कारों में से अधिकांश को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 119 कर्मियों, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के 133 कर्मियों और अन्य क्षेत्र के 25 कर्मियों को उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए सम्मानित किया जा रहा है। आइए बताते हैं आपको किस विभाग को कितने मेडल प्रदान किए गए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक विशिष्ट सेवा के लिए 102 राष्ट्रपति पदक में से 94 पुलिस सेवा, 4 अग्निशमन सेवा और 4 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा को प्रदान किए गए हैं। सराहनीय सेवा के लिए 753 पदकों में से 667 पुलिस सेवा को, 32 अग्निशमन सेवा को, 27 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा को और 27 सुधार सेवा को प्रदान किए गए हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।